ट्रायंगल गिवन इट्स बेस और बेस एंगल एंड सम ऑफ अदर टू साइड्स। देखो इसमें ये हमें क्या दिया हुआ बेटा, बेस, एक बेस दिया हुआ है कितने सेंटीमीटर का, 7 सेंटीमीटर का। उसके साथ ही एंगल बी पर एक एंगल बनाना है 75 डिग्री। एंड हमको क्या, और हमें क्या दिया, सम ऑफ अदर टू साइड्स कितना दिया हुआ है, ए बी प्लस ए सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। पहले एक रफ डायग्राम बनाते हैं हम लोग, कौन सा डायग्राम, रफ डायग्राम बेटा कैसे बनेगा। देखो रफ डायग्राम बोल रहा है कि एक बेस है आपका, कितने का है, बी सी कितने सेंटीमीटर का बेटा, 7 सेंटीमीटर का है। एंगल बी कितने का है, यहां से ट्रायंगल गया हुआ है 75 डिग्री का, ठीक है। और बोल रहा है यहां से एक मतलब कुछ ऐसे है, ये बोल रहा है एक ए पॉइंट है, ए बी और प्लस ए सी दोनों का सम कितना दिया है बेटा, 13 सेंटीमीटर। दिस ए बी एंड दिस ए सी, ए बी प्लस ए सी की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा, 13 सेंटीमीटर। समझ में आ गया कैसे ड्रॉ करोगे। देखो तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बेस हमारा कितना दिया हुआ था, 7 सेंटीमीटर। एक 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो, एक क्या करो बेटा यहां से 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो। समझ में आ गया। अभी मैं यहां प्रोटेक्टर की हेल्प ले रहा हूं, 75 माइनस ये सिखाया था 90 और उसका होगा 60 का हाफ। तो ये देखो जैसे ये मैंने ये उसका इनिशियल पॉइंट हो गया और ये तुम्हारा फाइनल पॉइंट हो गया। दिस इज बी एंड दिस इज व्हाट, सी। एंगल बी से कितने का हमें ड्रॉ करना है बेटा, 75। ये 75 होगा, यस सर, ठीक है, यस सर। यहां से 75 डिग्री पर एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कर दो, कितने सेंटीमीटर की, 13 सेंटीमीटर से थोड़ी सी बड़ी ड्रॉ करना। 13 से हमें हल्की सी क्या ड्रॉ करनी है, बड़ी ड्रॉ करनी है। मेरी बात समझ में आ गई, यस सर। 13 से मैंने कितनी ड्रॉ की, 14 सेंटीमीटर की। मेरी बात समझ में आ गई, यस सर। उसके बाद क्या करना है, इस पे तुम्हें क्योंकि दोनों साइड का सम कितना था, 13. दोनों साइड का सम कितना था, ए बी प्लस ए सी इक्वल टू कितना था, 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर का स्केल में एक आर्क लेना है, क्या लेना है, एक आर्क लेना है और इस लाइन को कट करना है। जैसे ये देखो ये ठीक है, yes, ये आर्क ले लिया मैंने 13 सेंटीमीटर का, यस या नो, यस सर, ओके। मैंने इसको यहां पे रखा और एक 13 सेंटीमीटर के यहां पे क्या कर दिया, एक आर्क लगा दिया। मेरी बात समझ में आ गई, यस सर। फिर मैंने क्या किया, पहले लाइन ड्रॉ किया, एक एंगल बनाया कितने का, 75 डिग्री का। मेरी बात समझ में आ गई, यस सर। फिर मैंने इनको मिला दिया। फिर इसको क्या करना, जहां पे कट करेगा वहां से इसको मिला दोगे, वहां से तो क्या करोगे बेटा, मिला दोगे। मेरी बात समझ में, यस सर, ये समझ में आ गया, यस सर। अब देखो अब क्या करोगे बेटा, सबसे पहले हमें एक चीज जो सीखनी है, जो हमें करनी होगी यहाँ पे, इस एंगल को मेजर करो। इस एंगल को क्या करो बेटा, मेजर करो, ये एंगल कितना है। एक आर्क लगाया मैंने यहाँ पर, सेम आर्क मैंने उसी से पॉइंट सी पे भी लगाया, क्या लगाया, पॉइंट सी पे। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं तुम्हें भी बाद में समझाऊंगा, ठीक है। मैंने एक आर्क आपको यहाँ पे लगाया, ठीक है, yes, उसके बाद मैंने देखी ये दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, आर्क मेजरमेंट में कर रहा हूँ, यहाँ से ये है, yes, sir. Yes, sir. ये है, yes, sir. मैंने उतनी दूरी पे यहाँ पे लेकर एक और आर्क यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, yes, लगा दिया, एक आर्क यहाँ पे लगा दिया। जहां पे कट करेगा इस सी पॉइंट से वहां तक मिलाते हुए मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है, yes, मेरी बात समझ में आ गई, yes, इस पॉइंट को मान लो डी और जहां पे एक कट करेगा दिस पॉइंट विल बी व्हाट, ए। ओके सर, ये सब क्या किया आपने, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। सुनो हुआ क्या, एक्चुअली में जब भी हमें सम ऑफ टू साइड्स दिया होता है तो हम लोग क्या फॉर्म करते हैं, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। अच्छा उससे पहले मैं जस्टिफाई करके दिखाता हूं तुमको, ए बी की वैल्यू यहां से यहां तक कितनी वैल्यू है, मेजर करो, 5.5, ए बी की वैल्यू कितनी है टोटल, 5.3 है, ए बी की वैल्यू कितनी है, 5.3 सेंटीमीटर। इसको मेजर करो बेटा, ये कितना है यहां से यहां तक का,
ये 7 point, ये 7.4 के आसपास आ रहा है, 7.7 कितना आ रहा है, 7.7 कितना आ रहा बेटा, इन दोनों को जोड़ो तो आपस में कितना आएगा, 5.3 प्लस 7.7 कितना आ गया, 13.0। मेरी बात समझ में आ गई, आ गया 13 सेंटीमीटर। अब देखो तुमने किया क्या बेटा, हमने यहाँ पर ऐसा करके एक आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म किया, क्या किया, आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म किया। आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमको पता है कि अगर ये दोनों साइड्स आप, अगर दो साइड्स एक ट्रायंगल के दो साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड आपस में इक्वल होते हैं तो ये एंगल भी आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। मेरी बात समझ में आ गई। इसको उल्टा बोल सकते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल के, अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मेरी बात समझ में आ गई। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक की 13 सेंटीमीटर, यस या नो? अच्छा, अगर ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, सेम है, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, सेम है। तो कहने का मतलब इस एंगल के अपोजिट साइड ये है और इस एंगल के अपोजिट साइड ये दोनों भी आपस में इक्वल होगी। अब सोचो, ये दिस इज इक्वल टू दिस वन एंड प्लस दिस, दिस प्लस दिस इक्वल टू व्हाट, 13 सेंटीमीटर। मैं क्या लिख सकता हूं कि बी ए अ प्लस ए डी, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, बी ए अ प्लस ए डी इक्वल टू व्हाट, 13 सेंटीमीटर। तो बी ए को बी ए ही रहने दो, अ प्लस ए डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ए डी इक्वल टू ए सी। कैसे, आइसोसेलेस ट्रायंगल, यस या नो? बात समझ में आ गई। तो बी ए प्लस ए डी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। यही हमें बनाना था, यस या नो? ओके, थैंक यू।